हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के साथ में हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है। और अगर प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट मिल जाए तो क्या ही बात है, दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होगी तो पूरा दिन ही बहुत ही बढ़िया गुजरता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ली थी, जो येलो मूंग दाल होती है, बस वही ली थी। उसे मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 बार धुल लिया था और करीबन 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और आप देखेंगे 2 से 3 घंटे बाद कि क्वांटिटी जस्ट डबल हो गई है। मैंने कितनी कम ली थी और कितनी ज़्यादा हमें ये दिख रही है। तो बस अब जो इसमें एक्सेस पानी है वो हमें बिल्कुल ही हटा देना है। अब इस दाल को मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी। इसके साथ में हमें पानी जितना कम हो सके आपको उतना कम पानी यूज़ करना है। तो बस बिना पानी के अभी तो मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ, और इसे आपको ना बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड करना है। इसमें ना आपको दाल के दाने नहीं रखने हैं। यहाँ पर तो मुझे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी इसे पेस्ट बनाने में। अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ करें, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इडली का बैटर अगर पतला हो जाएगा तो आपकी इडली फिर अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए किस तरीके की मैंने दाल पीसी है, बिल्कुल महीन पीसी है, और देखिए अच्छी गाढ़ी भी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप दही। 1 कप मैंने डाल ली थी तो 1/2 कप आप इसमें दही डाल दीजिए। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और दही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर दही ज़्यादा पतला है तो उसकी क्वांटिटी आप कम कर लीजिए, वरना आपका जो इडली का बैटर है वो पतला हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं। देखिए किस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। अब इसमें मैं डाल देती हूँ कुछ सब्जियाँ। हम हमारी हेल्दी इडली को और हेल्दी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 गाजर ग्रेट करके ली हुई है। थोड़े से मैंने यहाँ पर मटर लिए हुए हैं। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके ले लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास थोड़ी सी कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ते को मैंने इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इडली में, तो 1 चम्मच के करीबन मैंने ले लिया है। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिए। और 1/4 छोटी चम्मच हींग इसमें ज़रूर डालिएगा। ज़रूर डालना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम ये दाल की इडली बना रहे हैं। अगर आप हींग नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी आप प्योर दाल की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें हींग ज़रूर डालिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसमें सब्जी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो अपने मनपसंद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ताकि हमारी इडली का कलर थोड़ा सा अच्छा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। येलो फूड कलर मैंने यूज़ किया है। अगर आप फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं। अब बस इसे मिक्स कीजिए और देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है ना इडली बैटर का। बस इडली बनकर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी। तो इडली बनाने के लिए मैं यहाँ पर इडली मोल को अच्छे तरीके से ग्रीस कर रही हूँ। और बस ग्रीस करने के बाद जो हमने बैटर बनाया है इसमें मैं डाल दूँगी 1 सैशे ईनो का। जितनी हमने क्वांटिटी ली है दाल की उतने में 1 ईनो का सैशे डल जाएगा। ईनो डालने के बाद इसे तुरंत ही मिक्स करें और एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा, दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल भी मिक्स नहीं कीजिएगा। फाइनली ये जो हमने बैटर बनाया है इडली मोल में फिल कर लीजिए। ये इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर भी आ गई है। और इडली मोल को ना आपको ज़्यादा ज़्यादा नहीं फिल करना है, तो 3/4 ही इसे आप फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इडली मोल को फिल कर लिया है। तो चलिए इडली को हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने इडली स्टीमर में पानी भर के रखा हुआ है और इसमें साथ में ना मैंने थोड़े से नींबू के स्लाइसेस डाले हुए हैं ताकि हमारा इडली स्टैंड ख़राब ना हो। अब इसमें आप इडली मोल रख दीजिए और इसे आप ढक कर करीबन 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपको इसे स्टीम कर लेना है। तो करीबन 15 मिनट हो चुके हैं, इडली हमारी अच्छी तरीके से हो चुकी है। उसे आप निकाल लीजिएगा और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। गरम गरम में बिल्कुल भी डीमोल्ड नहीं करना है। तो बस मैंने सारी इडली को डीमोल्ड कर लिया है। इडली को डीमोल्ड करने के लिए आप चाकू स्पून किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और भाई हाथ तो जिंदाबाद है ही, उसका यूज़ कीजिए। और बस देखिए कितनी बढ़िया इडली बन गई है ना हमारी, कितनी सुंदर भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा कलरफुल भी दिख रही है।
और हेल्दी भी है। इसके साथ में सर्व कीजिएगा मज़ेदार चटपटी टमाटर और धनिया पत्ती की चटनी और आपका ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप सभी के घर वालों को। और अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है और लाइक का बटन भी दबाना है। थैंक यू।